भावना तो हमारे दिलों में है, लेकिन दोस्तों हम उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ? आपने कहा था कि बहनों को माताओं को 1500 रुपए देंगे, क्या हुआ उस 1500 रुपए का? आपने कहा था 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, कहाँ गया वो रोजगार? आप लोगों ने कहा था कि जो किसान होंगे, जो फल के बागवान होंगे, वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो राशि में फल बेचेंगे। क्यों ऐसे झूठी बातें करते हैं वो? क्यों ऐसे झूठे वादे करके वो लोगों को बहलाते फुसलाते हैं, धोखा देते हैं? कब तक ये इस तरह की राजनीति चलेगी? और क्यों आ जाते हैं हम हमेशा इनके झांसों में? दोस्तों हमें अपने हिमाचल वासियों को जगाना है और इनकी ये कुनीति के प्रति उनको सतर्क करना है, क्योंकि समय फिर से आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज और मैं हूं आपके साथ हारुषि राय। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम भारत का चुनाव में। मंडी सीट पर ठाकुर ब्राह्मण उम्मीदवारों का है दबदबा। ज्यादातर बार राजपूत और ब्राह्मण सांसद ही चुने गए। ठाकुर और ब्राह्मण जाति के उम्मीदवारों पर लगा दांव। मंडी में राज परिवार और स्टार्डम के बीच मुकाबला। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट चर्चा में है। इस सीट से बीजेपी ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया है, जिसने इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प कर दिया है। फिल्म अभिनेत्री और फिल्मी क्वीन कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से पहली बार सियासत में कदम रखा है। उनके सामने हिमाचल प्रदेश के शाही परिवार से संबंध रखने वाले विक्रमादित्य सिंह को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। दोनों प्रत्याशियों की वजह से मंडी सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों में से मंडी सीट पर हर किसी की नजर है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलती है। इस लोकसभा सीट पर 1951 से अब तक 17 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें से 11 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि 5 बार ये सीट बीजेपी के पास गई है। मंडी लोकसभा सीट हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से एक है। 12 लाख मतदाताओं की आबादी वाले इस जिले में 17 विधानसभा क्षेत्र हैं। ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, लेकिन 2014 और 2019 में मोदी लहर में ये सीट बीजेपी के पाले में गई थी। मंडी लोकसभा सीट में राजपूत वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। इस सीट पर राजपूत और ब्राह्मण नेताओं का दबदबा रहा है। पहले लोकसभा चुनाव में एससी उम्मीदवार के रूप में गोपीराम की जीत को छोड़ दें तो अब तक हर सांसद राजपूत या ब्राह्मण रहा है। कुछ मौके ऐसे भी आए जब दो राजपूत चेहरे आमने सामने थे। 6 जिलों में फैले मंडी संसदीय क्षेत्र में अभी तक दोनों ही दलों ने ठाकुर और ब्राह्मण जाति के उम्मीदवारों पर ही दाव लगाया है। कंगना रनौत भी राजपूत बिरादरी से आती है। बीजेपी ने जातीय समीकरण को साधने के लिए कंगना को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि यहां पर अनुसूचित जाति के मतदाता काफी अधिक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस और भाजपा द्वारा मंडी संसदीय क्षेत्र से ब्राह्मण या ठाकुर जाति के लोगों को ही चुनावी मैदान में उतारा जाता है। मंडी संसदीय क्षेत्र में अगर कुल मतदाताओं की बात करें तो यहां पर 13,59,000 मतदाता हैं, जिनमें 6,90,000 पुरुष और 6,68,000 महिलाएं शामिल हैं। जातीय समीकरण की अगर बात करें तो अनुसूचित जाति के यहां पर 29.85% वोट हैं, जबकि ब्राह्मण वोट 21.4% है। ठाकुर जाति के वोट यहाँ पर 33.6% है। मंडी जिले में 10 विधानसभा सीटें आती है। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। मंडी की 10 में से 9 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। प्रदेश की 68 सीटों में से सिर्फ 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने 9 सीटें तो मंडी से ही जीती थी। ये भी एक वजह है कि बीजेपी के लिए सबसे सेफ लोकसभा सीट से कंगना रनौत को टिकट दिया गया है।
पार्टी को उम्मीद है कि इस सीट को बीजेपी आसानी से जीत जाएगी। बहरहाल ये किस हद तक मुमकिन हो पाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिएगा स्ट्रीट बस के साथ। नमस्कार।